सागरिका, यहाँ क्या कर रही हो? नेहा आई, उसका फोन लगा उसका? नहीं यार, उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सागरिका फोन बज रहा है। सैग, हाँ, फोन। नेहा, हेलो, हेलो नेहा, नेहा कहाँ हो तुम? प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज, हेल्प मी, प्लीज मुझे बचा लो। नेहा, क्या हुआ तुम्हें? नेहा, हेलो, क्या हुआ? क्या बोला उसने? उसने बोला कि हेल्प मी। नेहा का फोन आया था। कहाँ है वो? यहाँ क्यों नहीं आई? और क्या बोला उसने? मुझे बचा लो, हेल्प मी, मुझे जीना है, ऐसा कहा उसने। अरे, हमें हमें नेहा की हेल्प करनी चाहिए, मतलब उसे बचाना चाहिए हमें। हाँ, हमें। गोवा से आने के बाद बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रही है सागरिका। वो पक्का नेहा ही थी ना? हाँ, लेकिन उसकी आवाज एकदम अलग ही लग रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ तकलीफ है, ऐसी आवाज आ रही थी। कहाँ थी वो? मुझे नहीं पता, मैं कुछ पूछूं उसके पहले ही फोन कट हो गया। अरे तो तुमने वापस क्यों नहीं किया फोन? अरे मैंने किया था फोन, लेकिन नॉट रीचेबल आ रहा था। मैं साहब, मुझे लगता है अब ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें पुलिस कंप्लेन कर देनी चाहिए। मेरे पहचान का एक इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर जोगदंड, उसको मैंने पहले ही नेहा को ढूंढने के लिए बोला है। उन्होंने ढूंढना शुरू भी कर दिया होगा। तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, नेहा जरूर मिल जाएगी। अंकल, जब तक ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं करेंगे तब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। बाबा, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। साहब, अरे क्या हुआ है नेहा? साहब, वो बाहर पुलिस आई है। पुलिस? सर, वो लोग आ गए। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, आज यहाँ कैसे? इस एरिया से मुझे बहुत सारे कंप्लेंट आ रहे हैं। कंप्लेंट? कैसा? यही चोरी डकैती। मैं ऐसे ही राउंड पे निकला था, रास्ते में आपका हॉस्टल आ गया, सोचा आप लोगों को भी सावधान कर दूं। गर्ल्स हॉस्टल है ना, और इसके आसपास कोई दूर तक बस्ती भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। धन्यवाद साहब। यहाँ पर सब कुछ ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है साहब। ऐसा लगता तो नहीं है साहब। वो क्या है कि वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
आप? तन्वी, कल रात में कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए पुलिस स्टेशन निकली थी, लेकिन रास्ते में पता नहीं मैं चक्कर आके गिर गई और मैं नहीं आ पाई। लेकिन आपको जो लग रहा है वो सही है, यहाँ प्रॉब्लम है। बोली। सर, हमारे हॉस्टल की मेरी सहेली नेहा मिसिंग है। कल सुबह से निकली है लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। लड़की गायब है, उसका नाम क्या है? नेहा। कहाँ पे काम करती है वो? फिटनेस सेंटर में, अंधेरी। वहाँ पे पूछताछ किया क्या? हाँ, कल रात में उसके फिटनेस सेंटर में गई थी, लेकिन कल वो वहाँ गई ही नहीं थी। उसके मैनेजर ने उसके सारे कलीग को उसके बारे में फोन करके पूछा था, लेकिन कल वो किसी से मिली ही नहीं और उसने किसी को फोन भी नहीं किया। उसके कोई फोटो वगैरह मिल सकती है क्या? हाँ। मीरा मैडम। यस सर। ये फोटो आप अपने फोन में ले लीजिए। विभव नेहा से मिलने वाला था ना, उसका क्या हुआ? वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग जो बोल रहे हैं उसे भी जरूरी बातचीत चल रही है क्या? क्या पूछ रहा हूँ मैं? हाँ सर, मुझे नेहा का फोन आया था। किस नंबर से फोन आया था? उसी के नंबर से कॉल आया था सर। फोन? हाँ। फोन कब आया था? आज ही आया था सर। कॉल हिस्ट्री डिलीटेड। कैसे हो सकता है? ये तो तुम्हें पता होगा। नहीं सर, I swear, मैंने नहीं डिलीट किया सर, मैं सच कह रही हूँ। ये लीजिए सर। साहब को दीजिए। सॉरी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सर, मुझे नहीं पता ये कैसे डिलीट हो गया। सर, जब नेहा का कॉल आया था तो प्रियंका भी मेरे साथ थी, आप चाहे तो उससे पूछ सकते हैं। हाँ सर, सागरिका सच बोल रही है, जब नेहा का फोन आया था तब हम दोनों साथ में ही थे। तो फिर कॉल हिस्ट्री कैसे डिलीट हुई? मैं सच बोल रही हूँ सर, मुझे नहीं पता, सच बोल रही हूँ मैं। माफ कीजिएगा, लेकिन मेरी बच्चियों से आप ऐसे नहीं बोल सकते। मेरी बच्चियां कभी भी झूठ नहीं बोलती। इससे कैसे बात करके सच उगलवाना ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। साहब, मैंने भी उम्र बिताई है इस दुनिया में, सच और झूठ की परख मुझे भी है। आपको आने से पहले हम सबको यही बता रही थी, अगर उसे झूठ ही बोलना था तो नेहा का फोन आया था ये आपको बताती ही नहीं।
चेकिंग के लिए डाल दिया है नेहा का फोन। जल्दी पता चल जाएगा कौन सही बोल रहा है और कौन झूठ। लेकिन इस तरह की लापरवाही तुम लोगों के लिए महंगी पड़ सकती है। और एक बात याद रखना, आज के बाद मेरी नजर तुम सबके ऊपर है। याद रखना इस बात को। मेरा मैडम। यस सर। चलिए। सागरिका, सागरिका, नेहा को क्या किया तुमने? कहाँ है नेहा? तन्वी, छोड़ो उसे। पूछो ना इसे। चुप क्यों है ये? कल मारने की धमकी दी थी ना तुमने? क्या किया तुमने उसके साथ? बताओ। मैंने कुछ नहीं किया। सागरिका, मेरी पेशेंस लेवल चेक मत करो। नेहा के साथ क्या किया तुमने? तन्वी, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? प्रूफ चाहिए तुम्हें? कल सबके सामने इसने उसे मारने की धमकी दी थी, अब और क्या प्रूफ चाहिए तुम्हें? तन्वी, हम लोगों में आपस में मारा मारी और झगड़ा तो चालू ही रहता है। आज तक किसी ने किसी की जान नहीं ली है। कल विभव इससे मिलने आया था, इन दोनों में क्या बात हुई पूछो इससे। विभव ने मुझसे इतना ही कहा कि वो नेहा को समझाएगा। समझाएगा? मतलब कल उनकी बात हुई थी, मतलब नेहा आखिरी बार विभव से मिली थी, उसके बाद वो जिम में भी नहीं गई, तो फिर कहाँ गई? क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? बताओ ना, अब और क्या प्रूफ चाहिए तुम्हें? तन्वी, तन्वी प्लीज प्लीज, मैं अपनी माँ की कसम खाकर बोल रही हूँ, मुझे विभव ने बस इतना ही बोला और कुछ नहीं बताया मुझे। पर देखो तनु, मुझे ना उसका कॉल आया था शाम को। कॉल आया था? दिखाओ फोन, दिखाओ ना। मेरी कॉल हिस्ट्री डिलीट हो गई है। कॉल हिस्ट्री डिलीट हो गई है? झूठ बोल रही हो तुम सागरिका। नेहा तुमसे गुस्सा थी, तो फिर उसने तुम्हें क्यों फोन किया? आइडियली उसे मुझे फोन करना चाहिए था। तन्वी, सागरिका सच बोल रही है, नेहा का जब फोन आया था तब मैं खुद वहाँ पर थी। अच्छा, जैसे सारा ने तुम्हारे लिए दरवाजा खोला, वैसे ही नेहा ने इसे फोन किया? हाँ, ऐसा ही है ना? ऐसा नहीं है तनु। देखो, नेहा मेरी भी दोस्त है, हम 3 साल से एक ही रूम में रह रहे हैं। उस दिन मेरा पेशेंस खत्म हो गया, इसीलिए मैंने उसे धमकी दे दी। इतने छोटे से झगड़े के लिए क्या मैं उसकी जान ले लूंगी? इतनी पागल हूँ क्या मैं? तुम्हें विश्वास नहीं होगा पर नेहा सेफली वापस आ जाए मैं इंतजार कर रही हूँ, और वो भी सबसे ज्यादा। मुझे पता है तुम्हें विश्वास नहीं होगा। प्लीज मत रो, प्लीज ये टॉपिक बंद करो, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज। शांत हो जा, रो मत, वो आ जाएगी वापस। नेहा, नेहा, हाँ बोलो। सेतु, प्रियंका, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया मुझे? प्रियंका देखो, कुछ जरूरी बात है इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। आज मैं तहसीलदार ऑफिस में गया था,
वहाँ मुझे 13B मतलब तुम्हारे हॉस्टल का 7-12 मिला, तब जाकर मुझे सारी हिस्ट्री समझ में आ गई। मतलब वहाँ कुछ है क्या? हाँ, वो जगह महाजन अंकल के पूर्वजों ने जब खरीदा था उसके पहले वो एक जंगल था, और दूसरे विश्व युद्ध के समय यहाँ पर जेल बना था। बाप रे, मतलब हॉस्टल की जगह जेल? हाँ, पर पहले सारी जगह एक थी, मतलब प्लॉटिंग नहीं हुई थी, लेकिन ये तो पता चल गया कि यहाँ पहले एक जेल था, और कैदियों को फांसी की सजा देने के लिए और अघोरी प्रकार की क्रिया करने के लिए यहाँ लेकर आते थे। अघोरी प्रकार मतलब? उन लोगों के हाथ पैर तोड़कर इस जगह पर रखे जाते थे। बाप रे, ये तो बहुत भयंकर है। हाँ, बाद में जब आजादी मिल गई तो जेल का सारा कोना खत्म कर दिया गया, बाद में प्लॉटिंग करके जगह को बेच दिया गया। मतलब महाजन अंकल के इस जमीन को खरीदने से पहले भी किसी ने इस जमीन को खरीदा था? हाँ, ये जगह एक व्यापारी ने खरीदी थी, उसके बाद इस जगह पे कंस्ट्रक्शन किया, उसमें जेल का बचा कुछ हिस्सा भी खत्म हो गया, लेकिन पहले अघोरी शिक्षा देकर कैदियों को जहाँ रखा जाता था वो जगह यही है। 30B मतलब तुम्हारा हॉस्टल। महीने पहले आपके हॉस्टल में एक लड़की की डेथ हो गई थी। वो डेथ नेचुरल नहीं थी, और इस समय आपके हॉस्टल से नेहा नाम की लड़की गायब हुई है, और अब आपके हॉस्टल के एरिया में विश्वास के साथ साथ और भी चीजें करनी पड़ती हैं। अरे साहब, मैंने जोगदंड साहब को फोन किया था ना। जिस लड़की का हाथ आपके हॉस्टल के एरिया में मिला, वो हाथ नेहा का भी हो सकता है। वो हाथ देखा क्या आपने? हाँ। नेहा का ही है क्या? नहीं, मैं पहचान नहीं पाया। कोई बात नहीं, वो हाथ किसका है मैं जल्द ही ढूंढ निकालूंगा। साहब, हमें जो कुछ पता है वो हम आपको बता चुके हैं, और फिर इस हॉस्टल को मैं चला रहा हूँ साहब, सारी लड़कियाँ मेरी बेटी की तरह है। पता है, पहले भी आपने बताया था कि आपकी बेटी जैसी है। वो क्या है ना महाजन साहब, कि 100 में से 90 केसेस में गुनाहगार विक्टिम के पहचान वाला ही होता है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, बहुत बार गुनाहगार पहचान वाला ही होता है। अरे क्या बोल रही हो दुर्गा बहन, लड़कियों से पूछताछ करनी है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप लड़कियों से पूछताछ कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आप उनसे भी पूछताछ कीजिए। उनसे? उनसे मतलब किससे? डॉक्टर विभव से। यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसकी जानकारी तुम लोगों को है,
वो हाथ हमने फॉरेंसिक लैब में भेजा है। जल्दी ये साबित हो जाएगा कि वो नेहा का है कि नहीं। उस हाथ में जो घड़ी थी बिल्कुल वैसी ही घड़ी नेहा के हाथ में भी थी, ऐसी जानकारी मुझे मिली है। इसलिए नेहा के बारे में तुम्हारे पास जो भी जानकारी है वो सब कुछ मुझे बताओ, कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। भले ही तुम्हें ऐसा लगे कि वो जरूरी नहीं है, लेकिन वो इस केस के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। नेहा तुम्हारे अलावा किसी और की करीबी दोस्त है, उसने अगर उससे कोई सीक्रेट शेयर किया है, जो कुछ भी पता है सब कुछ मुझे बताओ, कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। बदनामी हो जाएगी इस वजह से बिल्कुल भी मत छुपाना। नेहा मेरी अच्छी दोस्त थी, उसे यहाँ जल्दी वापस लाने के लिए आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगी। गुड। डॉक्टर विभव वराडे साइकेट्रिस्ट है। कुछ दिनों पहले नेहा ने उसे यहाँ बुलाया था। कोई खास वजह? हाँ, हमारे दुर्गा मैम की मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। क्या हुआ था उन्हें? हेलुसिनेशन जैसी कुछ तकलीफ हो रही थी, उसी ट्रीटमेंट के लिए वो यहाँ आया था। नेहा तुम्हारी सबसे करीबी दोस्त थी? हाँ, मेरी और वल्ली की, वल्लरी की, सारी बातें शेयर करती थी हमारे साथ। थोड़ी सिंपल सी थी लेकिन बहुत केयरिंग थी, प्योर सोल। सागरिका ने जब नेहा को जान से मारने की धमकी दी तब क्या तुम खुद वहां पर मौजूद थी? हाँ सर, नेहा विभव से प्यार करती थी और विभव सागरिका को पसंद करता है यह पता चलने के बाद नेहा बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। उस दिन उसे विभव का फोन आया था, विभव नेहा से मिलने ही वाला था। उससे मिलने के बाद वह जिम में जाने वाली थी। मीरा मैडम एक काम कीजिए, इस विभव वर्डे का नंबर और एड्रेस ले लीजिए और उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाइए पूछताछ करने के लिए। हाँ सर। और उस सागरिका को बुलाइए। ठीक है सर। एक आखिरी सवाल, तुमने बताया कि नेहा के पास भी ऐसी ही घड़ी थी, अभी मुझे थोड़ी देर पहले ही बताया। हाँ सर। पक्का याद है ना, ऐसा ही था ना? उस दिन मेरा और नेहा का झगड़ा हो गया था। नेहा को ऐसा लग रहा था कि मैं उसके और विभव के बीच में आ गई हूँ, लेकिन सर ऐसा कुछ भी नहीं था, सच बोल रही हूँ मैं। तो कैसा है, सच्चाई क्या है? विभव, विभव नेहा को सिर्फ अपनी दोस्त मानता था, लेकिन नेहा इस दोस्ती को प्यार समझती थी सर। मैं सच बोल रही हूँ सर, मैं उन दोनों के बीच में कभी नहीं आई। नेहा विभव से प्यार करती थी इसलिए तुमने उसे जान से मारने की धमकी दी? नहीं सर, मैं उस दिन नेहा को यही समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सर वो कोई बात समझने को तैयार ही नहीं थी। और फिर
बात धीरे धीरे बढ़ती गई और गुस्से में मैंने मैंने उसे जान से मारने की धमकी दे दी सर। सर ये सब मैंने बस गुस्से में बोल दिया था, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था सर, सच बोल रही हूँ मैं। नेहा को हर्ट करने के बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकती सर। यस आई कैन। गुस्से में अक्सर हम इस तरह की बातें बोल दिया करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए होती है, लेकिन जो करना होता है उसे हम बोल कर नहीं दिखाते। सही कहा ना डॉक्टर विभव वर्दे? इस समय कहाँ हैं? मुझे पता नहीं है सर। तुम्हारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ क्या? कांटेक्ट हुआ? आई मीन मैंने ही फोन किया था उन्हें, लेकिन हमारी बात नहीं हो पाई सर क्योंकि वो बिजी थे। देखो अगर तुम डॉक्टर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हो तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तुम्हारा सच बोलना ही तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। सर मैं सच बोल रही हूँ सर। इनफैक्ट नेहा का और मेरा जब से झगड़ा हुआ है तब से मैं यहाँ हॉस्टल में हूँ, कहीं बाहर नहीं गई। क्राइम करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है मिस सागरिका। नेहा को गायब करने के पीछे मेरा हाथ है ऐसा आपको लगता है क्या? मुझे क्या लगता है, इसके बजाय क्या साबित होता है वो जरूरी है। और एक बात ध्यान से सुन लो, संदेह के घेरे में सबसे पहला नाम तुम्हारा आता है। अरे नेहा जल्दी वापस आएगी, मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ यार। ये सब क्या हो रहा है, कब खत्म होगा ये सब? जल्दी ही। अरे हाँ सच में कल सर्वपित्र अमावस्या है ना, और उसके बाद कलश स्थापना होती है, देवी का नवरात्र, असत्य पर सत्य की विजय। तुम देखना हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना सब खत्म हो जाएंगे और नेहा भी वापस आएगी। यार राइट, जिस किसी ने नेहा को तकलीफ दी है ना उन्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, चाहे वो सागरिका हो तो भी। तन्वी देखो तुम्हारा गुस्सा मैं समझ सकती हूँ, लेकिन नेहा और सागरिका हम सबकी फ्रेंड्स हैं और सागरिका को भी नेहा की बहुत चिंता है। तुम एकदम न्यूट्रल होकर सोचो, हम में से कोई किसी का बुरा क्यों करेगा, क्या मिलेगा हमें? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस पर विश्वास करो कुछ नहीं समझ रहा। नेहा को वापस लाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो सब मैं करूंगी। तन्वी पहले तुम शांत हो जाओ। तन्वी देखो थिंक पॉजिटिव तो फिर सब कुछ पॉजिटिव होगा, समझ में आ रहा है? मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ रिलैक्स।
तन्वी, तन्वी रुको, तन्वी। रुको, रुको, तन्वी, तन्वी रुको, तन्वी, 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 कितनी आवाज दी मैंने तुम्हें? लड़की? कौन लड़की? जाने दो। तुम यहाँ क्यों आई? अरे तुम अचानक निकल गई, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ते हुए आई। तन्वी, तुम्हें समझ में आ रहा है हम कहाँ आ गए हैं? ये जगह हमारे पहचान की नहीं है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि हमें निकलना चाहिए। चलो। प्रियंका, प्रियंका, अरे उठो, प्रियंका, प्रियंका उठो, अरे उठो ना, उठो, क्या हुआ? तन्वी, मोबाइल देखो। मेरा फोन तो नहीं है ये? ये तो नेहा का फोन है। उसने ही ऐसा डिजाइन बनाया था। अच्छे से चेक किया क्या? हाँ। तन्वी, ये पक्का नेहा का ही फोन है ना? क्योंकि N इनिशियल I think किसी का भी हो सकता है ना? ये नेहा का ही फोन है, मैं पहचानती हूँ उसका फोन। और ये इनिशियल, ये हम दोनों ने मिलकर बनाया था। तन्वी, हमें कल जो फोन मिला था ना, तब हमने स्टार्ट किया था तो हेल्प करके आया था, है ना? हाँ। फोन स्टार्ट करो, फोन स्टार्ट करो तुम, जल्दी। हाँ। इसका क्या मतलब है? अब क्या करेंगे? मुझे पता है क्या करना है। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहू लोक फैली उजियारी, शशिललाट मुख महाविशाला, नेत्रनाल भुकटी विकराला, रूप मात को अधिक सुहावे।
रूप मात को अधिक सुहावे, जय मां अम्बे जय जगदम्बे। क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? हाँ, रात भर मैं सो नहीं पाई ना, तो सर भारी हो गया है। सागरिका की वजह से? हाँ, रात भर वो भी नहीं सो पाई, लगातार रो रही थी। उसकी हालत मुझसे नहीं देखी जा रही। इन सब की वजह तो वो विभव है। उसने क्या किया? वो साइकोलॉजिस्ट है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये अमानवीय नहीं है। ये सिद्ध करने के लिए नेहा और तनवीज को यहाँ ले आई हैं। नेहा का दोस्त है वो। मतलब यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सच है? हाँ। अरे मैं इतने दिनों से यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ, नहीं तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। हाँ सुनिए ना, मैं क्या कह रही थी, ज्यादा देर मत करिए गाने में। क्यों? सर्वपित्र अमावस्या है ना, और इस एरिया की लाइट भी चली जाती है, और सर्वपित्र अमावस्या में रिस्क क्यों लेना। हाँ जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है। मैम, आज हनम्या भैया किचन में क्या बना रहे हैं? अरे आज सर्वपित्र अमावस्या है ना, पितरों के लिए पान निकालते हैं ना। साहब भी हर साल पूजा करके पान निकालते हैं, वो उसी की तैयारी कर रहा है। मैम, बचपन में मैंने सुना था कि इस दिन अतृप्त आत्माएं आती हैं, ये सच है क्या? सच झूठ मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस इंसान के मरने के बाद उस इंसान का क्रियाकर्म अच्छे से नहीं होता है, या परिवार में वारिस ना होने की वजह से उनके पितरों का तर्पण नहीं होता है, या फिर कोई व्यक्ति पहले ही अपने परिवार में मर गया हो लेकिन उसकी मरने की तिथि पता नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के नाम पे अगर उस दिन पान निकाला जाए तो उस व्यक्ति तक तर्पण पहुंच जाता है, ऐसा सब बोलते हैं। मैम मतलब ये कोई भी किसी के लिए भी कर सकता है क्या? नहीं मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन तुम साहब से पूछ लो, वो तुम्हें अच्छे से समझा सकते हैं। मैम, सारा हमेशा बोलती थी कि वी आर अ फैमिली। मैम उसके लिए हम ये पान निकाल सकते हैं क्या? मैम प्रियंका सही कह रही है, आपको याद है ना, सारा के माँ बाप को भी उसकी अंतिम क्रिया करने का मौका नहीं मिला था। महाजन बाबा को पैसे देकर उन्होंने ऐसा बोला कि यह काम किसी और से करवा लो। अच्छे से याद है। आज भी उसके घर वाले याद करते होंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैम सारा ने हमारे लिए कितना किया है, उसके लिए कम से कम एक पान तो हम निकाल ही सकते हैं। तुम्हारी बात सही है, लेकिन इतना बड़ा डिसीजन मैं साहब से बिना पूछे नहीं ले सकती। हम उसके नाम का पान निकाल सकते हैं, ये बात तो उनसे पूछनी पड़ेगी ना। बाबा जरूर मान जाएंगे, मैं बात करूंगी उनसे। पक्का बात करूंगी ना? हाँ, ये मैं प्रसाद का पान उनके पास ले जा रही हूँ, मैं अभी बात करती हूँ उनसे।
दक्षिणे काल के स्वाहा, ओम भीम ह्रीम दक्षिणे काल के स्वाहा, ओम भीम ह्रीम दक्षिणे काल के स्वाहा, ओम भीम ह्रीम। बाबा